हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक जी गेम। मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, भाइयों, मित्रों स्लैश दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ नोट्स के तौर पर, कि आप इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, ताकि आपको जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ, जब मैं बता रहा हूँ, आपको उन वर्डिंग से दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपको हो सकती है दिक्कत जब मैं बता रहा हूँ और मेरी भाषा आपको समझ नहीं है, तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट वन, वॉट इज ओ डी डी? ओ डी डी वॉट इज, ऐसा ही लिखाइए। आजकल सभी लैपटॉप्स ओ डी डी माने के ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, जिसमें सी डी फंसाते हैं, सी डी लगाते हैं, नहीं दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, नहीं दे रहे हैं। इसलिए अगर ओ डी डी की डिटेल्स अगर किसी लैपटॉप में मुझसे मिस हो जाए, तो खुद पहले चेक कर लेना कि आपको ओ डी डी की वाकई में ज़रूरत है या नहीं है। बिकॉज लैक ऑफ ओ डी डी मेक्स लैपटॉप स्लैम। पतले लैपटॉप इसलिए आप आ रहे हैं आजकल, क्योंकि इसमें ओ डी डी का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, मतलब कि जो डीवीडी राइटर होता है वो नहीं है। नोट नंबर टू, रैम का झोल। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस, नहीं ऐसी जरूरत बात रेडी नहीं, आप नॉर्मल बुक से ही पढ़ सकते हैं व्हाट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो रैम है, इसका काम मैं नहीं बताऊंगा अभी, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होता है ना भाई, तुम लोगों को पता है ना, भाइयों बहनों पता है ना। ओके, कई मॉडल्स में रैम 4 GB की मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से माइन से विंडोज 10 और गेम्स खेलने के लिए सफिशिएंट नहीं है दोनों के लिए, क्योंकि विंडोज 10 भी थोड़ी रैम खाएगा, गेम्स तो और भी रैम खाएंगे, फिर दोनों बैठ के रैम भर लेंगे, तो फिर बाकी जो प्रोसेसर हैं वो क्या करेंगी। तो कृपया 4 GB रैम्स वाले मॉडल्स में से 250 से 3000 तक ऐड करके चलियो, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि 250 की है, 3000 तक की रैम तो ऑफलाइन भी मिलती है, मैंने चेक की है, पूछी है। 1600 MHz, 2400 MHz अलग अलग मिनट की रैम होती हैं, उसके बारे में बता दूंगा। जिस मेगा हर्ट्स की रैम जिस लैपटॉप में लगती है, वैसे ही ऑफलाइन मार्केट से खरीदना, उल्टी पुल्टी मत खरीद लेना, ना ही दुकान वाले को तुम्हें नमूना बेवकूफ बनाने देना। तो ऑफलाइन मार्केट में कम कीमत मिल सकती है, इसलिए मैं तुम्हें प्रेफर करूँगी ऑफलाइन मार्केट में ही जाओ। नोट नंबर थ्री, टेल अस अबाउट ऑप्टन मेमोरी, क्या बला ही है? ये आपके मन का प्रश्न होगा जब मैं ये बताऊंगा कि ऑप्टेन 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 क्या है। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। इंटेल ऑप्टेन मेमोरी इज अ सिस्टम एक्सेलरेशन सॉल्यूशन फॉर न्यू 7th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर बेस्ड प्लेटफॉर्म और लेटर। दिस सॉल्यूशन यूजेस द इंटेल ऑप्टेन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन 3D XPoint मेमोरी मीडिया अलॉन्ग विद द इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी ड्राइवर। When this new memory media is installed between the processor and slower SATA-based storage devices, HDD, SSHD or SATA SSD, the computer can store commonly used data and programs closer to the processor. This allows the system to access this information more quickly, which can improve overall responsiveness. देखिए ये तो था अंग्रेजी, अब मैं हिंदी में बताता हूँ क्या लिखा है। मतलब कि जैसे हमारा कैश काम करते हैं ना, लगभग लगभग उसी टाइप की मेमोरी है। जैसे कि हमने कुछ भी मान लिया, आपने कोई इमेज खोली ठीक है, और उसको क्लोज कर दिया, तो आप उसको फिर से खोलेंगे, वो जल्दी खुलेगी, जल्दी फटाफट। कोई वीडियो खोली, फिर आपने उसको बंद कर दिया, फिर आप उसको फिर से खोलेंगे थोड़ी देर बाद, बिना रिबूट किए ठीक है, रिबूट कर देंगे तो वो कैश से हट जाएगी वो चीज़, और फिर वापस आपको खोलने में टाइम लगेगा। सेम चीज इस मोरी है, ऊपर का पैरा तो छोड़ दीजिए, ये पैरा है इसको छोड़ दीजिए, नीचे का पैरा देखिए। व्हेन दिस इज मेमोरी मीडिया इज इंस्टॉल्ड बिटवीन द प्रोसेसर एंड द स्लो साटा बेस्ड स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब कि हार्ड ड्राइव और उसके प्रोसेसर के मध्यस्थ होंगी ये, एंड द कंप्यूटर कैन स्टोर कॉमनली यूज डेटा एंड प्रोग्राम्स क्लोजर टू द प्रोसेसर। प्रोसेसर के पास जल्दी भेजेगा वो डेटा, मतलब सीधी सी बात है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस फास्टर होगी। अगर आपके पास 8 GB ऑप्टेन या 16 GB ऑप्टेन है, तो आप 16 GB से चूज़ कीजिएगा, मैं आपको सारे कंपेरिजन में सब कुछ बता दूंगा। बस ये तीन पॉइंट्स थे मुख्य जिसको मैं आपको बताना चाहता था, और अब आज की वीडियो हम शुरू करते हैं यहाँ से। हाँ तो गाइज, मैंने नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक के सारे लैपटॉप्स को यहाँ पे लगा दिया है आपके लिए, आपकी सेवा में। अब देखते हैं कि मैं आपको किस तरह से बताता हूँ ये सारे लैपटॉप्स के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी दूंगा, जो कि मैंने चुनिंदा लैपटॉप्स चूज़ किए हैं amazon.com से। मैंने फ्लिपकार्ट से अभी इसलिए नहीं लिए क्योंकि फ्लिपकार्ट में अभी मुझे नहीं लगा रहा है कि कोई लैपटॉप सही तरह से अभी उनके इंडेक्सिंग है की गई है, जो कि मैं आपको सही तरह से उसमें दिखा सकूं, तो मुझे ये इसमें सही लग रहा है, तो मैं आपको अमेज़न से दिखा रहा हूं।
ठीक है। और बाकी एक राइजन के लैपटॉप्स हैं वो मैंने इसमें नहीं किए हैं रिव्यू, ठीक है। और दूसरे अपने एएमडी ग्राफिक्स कार्ड के लैपटॉप्स हैं, मैं अभी एएमडी के बारे में आपको सारी जानकारी दूँ कि एएमडी मुझे क्यों पसंद नहीं है, क्यों नहीं है, क्या है, कैसा नहीं है, ठीक है। एएमडी के जिसमें ग्राफिक्स हैं वो मैंने आपको लैपटॉप यहाँ पर क्यों लाइनअप नहीं किए। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो कि आपको हाई एंड वाले ग्राफिक्स कार्ड वाले गेमिंग लैपटॉप अगर चाहिए आपको, जिसमें कि आप अच्छे एडिटिंग अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो रही है और बड़ी हो जाएगी, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको पसंद नहीं आएगी, आपका मन यहाँ इससे भी हट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उचट जाएगा। इसलिए चलिए सबसे नंबर 10 वाले लैपटॉप की तरफ आते हैं। इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, इन इमेजेस को देख लीजिए, बड़ी बल्कि लैपटॉप है, बहुत दिख रहा है, लेकिन इसके जो परफॉर्मेंस है वो इतनी भद्दी नहीं है, भले ही इसमें कुछ भी हो, लेकिन 37,000 में, ठीक है, 10 रुपये छोड़ दो, आपको इंटेल एचडी ग्राफिक्स तो मिलता है। एचडी ग्राफिक देखिए, इंटेल एचडी ग्राफिक जो अपना प्रोसेसर होता है उसी के साथ हमेशा चिपकेला हुआ आता है, जैसे कि क्या मैं क्या बोलूँ, जैसे हाँ जैसे कोई भी बॉटल है, कोई भी सामान है, उसका स्टिकर चिपका आता है ना, वैसे ही हमेशा ग्राफिक्स कार्ड चिपका आता है इंटेल का इंटीग्रेटेड एचडी, हमेशा इसके प्रोसेसर के साथ, ठीक है। इसमें 1 TB की रैम, 4 GB की रैम, तो 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव, 4 GB की रैम, और बाकी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। और इसमें ई लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको देख के बहराइएगा मत, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्रीवेयर। इसको आप फॉर्मेट करके आप अपना अपन पसंद का विंडोज़ वगैरह चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको चढ़ाना हो, जो भी आपको फॉर्मेट करना हो। इसके बाद है इसमें कोर i5 8th जनरेशन का लैपटॉप है, बैटरी वगैरह की इसमें सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, DDR4 टाइप की रैम है, और इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं जो आपको और बताऊँ या बताना चाहूँ। ये है हमारा 10th नंबर का लैपटॉप। तो अब आते हैं 9th नंबर के लैपटॉप की ओर, जो कि HP का 15 और i5 का 8th जनरेशन, 8250, सब में एक ही प्रोसेसर दिया हुआ है, जिसमें अगर कुछ भी 8th जनरेशन का है अभी तक, 4 GB की रैम, 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव, डॉस है, डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब डॉस नॉर्मल डॉस इसमें होता है ना, मतलब वो खाली लैपटॉप होता है, ठीक है, डॉस लैपटॉप, इसमें आप कोई सा भी विंडोज चढ़ा सकते हैं, पहले से प्री बिल्ट या फिर इन बिल्ट अपना विंडोज़ है वो नहीं आता है फॉर्मेटेड, ओके। तो देखिए जी, इसमें वेट वगैरह लिखा हुआ है, और इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, बस इसमें इससे खास है कि उसमें HD स्क्रीन है, इसमें फुल HD स्क्रीन है, ठीक है। और ग्राफिक्स कार्ड दोनों में, सॉरी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड नहीं बोलूँगा मैं उसको, मतलब इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स हैं, मतलब हाँ हैं, मतलब कुछ कुछ तो चलो चल जाएगा, आपको कुछ एप्लीकेशन चलानी हो वगैरह, लेकिन गेम्स तक आप नहीं पहुँच सकते इसकी बदौलत, ना ही हाई एंड रेंडरिंग तक भी नहीं पहुँच सकते, जो अगर आपको हाई एंड की रेंडरिंग करनी है या फिर आपको एडिटिंग करनी है तो उसके लिए, ओके। तो इसमें 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, और इसमें UHD का वही है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, 1 TB स्टोरेज है, अपने पैसों के हिसाब से बहुत अच्छा है, 37,000 का वो भी है, और लगभग 37 का ये भी है, तो ये 37,490 का है, थोड़ा ज़्यादा है, HP हमेशा ज़्यादा ही देता है। USB 2.0, 3.0 ये सब आपको मिल जाएगा, पोर्ट्स एंड ड्राइव सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, लेकिन अभी रुक जाइए, इसमें ही खत्म मत हो जाइएगा, अगले लैपटॉप्स और बता रहा हूँ, वो भी आपके फ़ायदे के सौदा हो सकते हैं, 1-2 हज़ार रुपये बढ़ाने से आपका कोई नुकसान होगा नहीं, फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपको लैपटॉप 1 साल के लिए नहीं चलाना, चाहे आपको 3-4 साल के लिए तो चलाना ही है। उसके लिए आता है हमारा नंबर 8 लैपटॉप, ये 9th था, अभी 8th आ गया है। 8th लैपटॉप भी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये आसुस का लैपटॉप है, इसलिए नहीं क्योंकि ये इसमें कन्फिग्रेशन अच्छी है, इसलिए, ठीक है। i5 8th जनरेशन का लैपटॉप है, 4 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क ड्राइव है, डायमेंशन दी गई हैं, और साथ में इसे फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, जो आपको काम आएगा भविष्य के लिए, भविष्य के लिए नहीं, अभी के लिए काम आएगा, मोबाइल में तो कॉमन सी बात है, लेकिन लैपटॉप में भी आप फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप इसका यूज़ फटाफट अपने लैपटॉप को अनलॉक करने के कर सकते हैं, बार बार आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा या पिन इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसका लेकिन जो सॉरी मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन 720p HD, ऐसा क्यों बोला है भैया, ठीक है। स्क्रीन रेजोल्यूशन इसका फुल HD स्क्रीन रेजोल्यूशन है, और लिथियम बैटरी है, 4 GB की रैम है, 1 TB हार्ड ड्राइव है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो मैं आपको इतना बखान करके बताऊँ, ठीक है। बस इसकी प्राइस ज़्यादा है, अगर आपको कम प्राइस में मिलता है उनका कंपेयर, तो आप ले लीजिएगा। फिंगरप्रिंट के आप शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप में कुछ नई टेक्नोलॉजी हो, जिससे आप दिखा दिखा कर जिसको आप बाकी सब कुछ जलाएं, तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं, वरना आप उनकी तरफ जाइए जो सस्ते हैं, या फिर उनकी तरफ जाइए जो i3 के हैं, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, तो मेरी पहले वीडियो को भी आप देख सकें इसी बहाने। अब अगला लैपटॉप हम देखते हैं 7th नंबर का, बड़े अच्छा दिखने में अच्छा बड़ा लैपटॉप है, इसमें डिविड राइटर स्विड राइटर सब है। इससे पहले आपको मैंने 3 नोट्स दिए थे, उनको आप ध्यान में रखकर ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं ये आशा करता हूँ आपने उसको स्किप नहीं किया होगा। उसके बाद है इसमें, दिस इज डॉस बेस्ड मशीन, 4 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क ड्राइव। एक एक चीज़ पढ़ पढ़ते पक जाता हूँ मैं,
देखिए, फिर इसमें 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, 940 MX, जो रो रहा था ना कल, ऐसे मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि देखो रैम, अगर आपने वीडियो देखी है तो वो ग्राफिक्स कार्ड का 940 MX से आप इस ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप ले सकते हैं, क्योंकि ये ठीक ठाक है। हाँ, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स कार्ड है, ये तो भी बुरा नहीं है, अभी तक बुरा नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, टक्कर की परफॉर्मेंस है इसकी, आपने देख ही लिया होगा जैसे बाकी MX 130, और कल मैंने कंपेरिजन किया था MX 150 और इसका कंपेरिजन किया था। और सॉरी दोस्तों, मुझे MX 150 का कोई भी लैपटॉप अभी तक नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, शायद अगली वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊँ, क्योंकि इसमें रेंज कम ज़्यादा हो सकती है, मैं इसमें रेंज को भी एक दायरा मानकर आपके लैपटॉप बता रहा हूँ। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको हाई एंड गेमिंग वाला लैपटॉप भी दिखाऊंगा, और ये वाला लैपटॉप का भी अच्छे से ज्ञान दूंगा, जिसमें कि आपको 940 MX के अलावा MX 150 भी मिले। तो इसमें MX 140 ये बहुत अच्छा ही ग्राफिक्स है, बहुत अच्छा नहीं, मीडियम रेंज का है। मैं दो दोबारा एक चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। फुल HD स्क्रीन है इसमें, होना ही चाहिए, नीचे 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 नीचे, हाँ, 2.25 GHz, पावर प्रोसेसर स्पीड वगैरह वगैरह। हाँ, इसमें एक कौन सा, मतलब कि एक त्रुटि है, एक कमी है, तो वो ये है कि इसमें है 7th जनरेशन का प्रोसेसर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है 7th जनरेशन का प्रोसेसर है, 2 कोर्स 4 थ्रेड्स, 8th जनरेशन का प्रोसेसर होता है, 4 कोर्स 8 थ्रेड्स, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप i5 8th जनरेशन लें, लेकिन आपको अगर इस कीमत में, कम कीमत में अगर आपको मिल रहा है 40 के अंदर i5 का 7th जेन प्लस 2 GB ग्राफिक्स कार्ड, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी डील साबित होगी। 8th जनरेशन की तरफ मत भागेगा, जरूर आपके लिए ज़रूरत है ही नहीं, जब तक आपके पास ढंग का ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, आप 8th जनरेशन का अचार नहीं डालोगे। उसके बाद आते हैं हम 6th नंबर के लैपटॉप पे, जो कि एसर का लैपटॉप, नंबर आप खुद पढ़ लीजिए, 7th जनरेशन का, ये भी है सेम वही कन्फिग्रेशन जो अभी इससे पहले मैंने दिया था, 8 9, सॉरी कौन सा नंबर है, 5th नंबर है, 1 2 3 4 5th, यस 5th नंबर है। तो मैंने आपको 6th नंबर के लैपटॉप में ये बताया था, सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैंने इसको आगे इसलिए रखा है क्योंकि इसका एक कारण है, कारण ये है, मैंने इसको गेमिंग की वजह से इसको यहाँ पे आगे रखा है। अगर आपको गेमिंग करनी है, माइल्ड गेमिंग करनी है, तो आपके लिए चाहिए HD रेजोल्यूशन, स्क्रीन का रेजोल्यूशन चाहिए HD, ठीक है। भले ही इसका फुल HD रेजोल्यूशन था पिछले वाले का, लेकिन मैंने इसे ऐसा वाले लैपटॉप को आगे इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप कोई गेम करते हैं तो आपको HD रेजोल्यूशन के ऊपर नहीं जाएंगे, फुल HD करेंगे तो बहुत लैग करेगा, एकदम बेकार चलेगा, रद्दी चलेगा गेम, बहुत कम FPS आएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको ऐसे लैपटॉप मिले जिसमें कि गेम के FPS कम आए, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छी स्क्रीन के शौकीन, आपको अच्छी मूवीज वगैरह देखते हैं, तो आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हैं, जो इसमें फुल HD स्क्रीन है और सेम कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप गेमिंग की तरफ रुझान है तो आप ये लैपटॉप लीजिए, क्योंकि आप HD से ऊपर जाने वाले हैं ही नहीं, आपको अपना रेजोल्यूशन छोटा करके ही गेम खेलना पड़ेगा, तभी आपका गेम सही चलेगा, ठीक है। और इसमें सेम वही स्पेसिफिकेशंस है, बार बार दोहरा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, अगर शायद शायद, क्योंकि देखिए अब इसमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाइए, DDR3 और DDR5 में थोड़ा डिफरेंस होता है स्पीड का, ठीक है, ज़्यादा फास्टर रहेगा DDR5 अगर आप DDR5 लेते हैं तो। ये DDR5 वाला है 940 MX इसमें, और साथ में HD स्क्रीन भी है, तो इसमें गेमिंग आपको शायद अच्छी मिल जाए, ठीक। और इसके पहले वाला जो था उसमें आपको शायद DDR3 मिलेगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है, ठीक है। अगर आपको मॉडल नंबर से आप सर्च करेंगे तो आपको नेट पे ज़रूर इसके बारे में प्रॉपर डेफिनेशन और पूरी कॉन्फ़िगरेशन वो मिल जाएगी इसकी खुद की वेबसाइट पे, या फिर आप ऑफलाइन जाएंगे तो आप पूरा पक्का पता करिएगा कि इसमें DDR3 DDR5 है। वैसे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने DDR3 DDR5 दोनों ही चलाए हैं, कुछ FPS का अंतर पड़ेगा, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा अपनी इच्छा अनुसार ही ना, क्योंकि जिसकी इच्छा होती है कहीं मूवी देखनी है वगैरह, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है वो फुल HD ले ले, जिसको गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ले ले ये HD वाला, दोनों ही लैपटॉप सही है। इसके आगे हम आते हैं 5th नंबर के लैपटॉप पर, जो है फिर से एसर का, i5 8th जनरेशन का लैपटॉप है ये, ठीक है। अब आपका 8th जनरेशन आ गया, आपका प्यारा दुलारा 8th जनरेशन, जिसको आपको बेसब्री से इंतज़ार था, साथ ही इसमें 2 GB की DDR5 मेमोरी, ये आप ये लीजिए, अब आप वो मत लीजिए, यही आप ये लीजिए, नहीं आप ये लीजिए, कंपनी वाले ऐसे ही कहते हैं, दुकान वाले जो होते हैं ना वो बहुत तलते हैं इसी तरह से, तो आपको इस तरह से तलना नहीं है, ना इनको तलने देना है खुद को। तो एसर एस्पायर का लैपटॉप है ये, इसमें एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड G40 940 MX विथ 2 GB DDR5, भले इसमें 940 MX है, समझे बंधु, लेकिन इसमें 2 GB DDR5 की मेमोरी है। आपको इसमें तो ये बोल ही रहे हैं कि मुंह से बोल रहे हैं, हाँ भाई इसमें 2 GB DDR5 मेमोरी है, तो मतलब इसमें होगी ही, और है
आप ये लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको पिछले दो लैपटॉप पसंद नहीं आया तो इसमें फुल एच डी स्क्रीन है, मतलब दोनों लैपटॉप का इसमें निचोड़ है। इस लैपटॉप में, आसूस वाले लैपटॉप में सेम निकाल के जो चीज़ इसनी है वो उसमें डाल दी है, और जो इसके पिछले वाले प्रेडेसेसर लैपटॉप में थी जो कि एसर का था, इसमें जो चीज़ थी जो 7th जनरेशन था वो उसमें 8th जनरेशन कर दिया, और इसको पावर पैक लैपटॉप बना दिया है टोटल दोनों का मिला मुलू के। और हाँ, ये मुझे 4 GB देख के मुझे याद आया, आपने नोट अगर देख लिया होगा तो 2000 से 3000 आप ऐड करके चलिएगा, ठीक है। यहाँ से देख के खुश मत होइएगा इतनी प्राइस इतनी 48,000, भले ही दोनों किस में है, क्योंकि देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं 38,000 वाले में इसमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ है, 39 मतलब 39 40 मान लीजिए इसमें अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनका पावर बैक मिला के 43,000 तक का इसमें अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस आपको रैम बढ़ानी पड़ेगी। तो आप इसको लेकर चलिएगा और ऑफलाइन मार्केट से आपको दोनों प्राइस में अंतर मिल जाएगा, चाहे वो रैम की प्राइस हो चाहे वो आपके लैपटॉप की प्राइस, दोनों में आपको अंतर अच्छा खासा मिल सकता है और मिल भी नहीं सकता है, वो आपके प्राइस पर डिपेंड करता है मार्केट के। उसके बाद हमारा आता है 4th नंबर का लैपटॉप जो कि HP 15 कोर i5 8th जनरेशन का लैपटॉप है। अब इसमें ऐसा क्या खास है जो मैंने इसको इसमें रखा, अभी देखिए बताता हूँ। फुल एचडी डिस्प्ले है, रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क ड्राइव है। देखिए इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, बस में 2 GB ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है। मैं आपको अवेयर करने के लिए मैंने दिखाया है, अगर आपको इस टाइप का लैपटॉप मिले ना इस रेंज में, इस रेंज मीन्स प्राइस रेंज में, ठीक है, तो इसको MX 110 वाला मत लीजिएगा, क्योंकि ये एनवीडिया का सबसे लोअर एंड वाला ग्राफिक्स कार्ड है। इससे अच्छा आप रेडियन वाले ग्राफिक्स कार्ड की तरफ कूच कर लीजिएगा, अगर आपको इसी प्राइस में 8 GB RAM, मेरी बात से आपको सुनिए, 8 GB RAM, 1 TB हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, और 2 GB ग्राफिक्स वो भी रेडियन का मिले, तो आप रेडियन की तरफ भागिएगा। इस लैपटॉप की इस प्राइस में 49,000 में बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत महंगा है ये, ठीक है, किसी काम का नहीं है। ऐसे ही आपको कोई भी टिपा देगा कंपनी वाले या शोरूम वाले, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो अगले हम लैपटॉप की तरफ आते हैं, आपके दिखाने के लिए कि कंपनीज भी कैसे कैसे प्राइस रख रही हैं और आपको किस तरह से वो लूट सकती हैं या आपको बेवकूफ़ बना सकती हैं। उसके बाद 3rd नंबर का लैपटॉप जो कि लेनोवो आइडिया पैड i5 8th जनरेशन का लैपटॉप है। अब इसमें खास इसलिए मेरे को दो चीज़ें खास लगी, ठीक है, एक तो 2 TB हार्ड डिस्क ड्राइव के, 2 TB, 2 TB बहुत होती है, अगर आप 2 3 4 साल तक लाते हैं तो आपके लिए काफ़ी सफिशियंट है, और 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है जिसमें जो कि है अपना AMD रेडियन 530 का। देखिए बड़े मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ भाई, भाई लोग बहन लोग जो भी हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, कि यह जो AMD रेडियन का ग्राफिक्स कार्ड है इसको मैं आपको लेने की कभी सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन इसमें एक आध चीज़ इसमें अच्छी है, 8 GB की रैम भी मिल जाएगी आपको इतनी रेंज में 44,000 में, और आपको 2 GB की हार्ड डिस्क ड्राइव मिल जाएगी, और क्या चाहिए इंसान को दुनिया में, ज़िंदगी में, लैपटॉप के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ज़िंदगी में तो बहुत कुछ चाहिए। तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, CD ड्राइवर, DVD राइटर, फलाना ढेम का, लेकिन मैं AMD रेडियन को क्यों मना कर रहा हूँ, अभी रुकिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी आपको मैं इमेज दिखाऊंगा, उससे आप एकदम क्लियर कट से समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो इमेज दिख रही है ना आपको, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक तरफ लिखा है हमारा पुराना रोतलूसा 1 2 साल पुराना 940 MX, और दूसरी तरफ है हमारा HD 530 जो कि है रेडियन वाला ग्राफिक्स कार्ड, सेम मोबाइल वाला ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है। पास मार्क ने उसे दिए हैं, पास मार्क एक मतलब कि टेस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो उससे आप बेंच मार्क में से निकाला है मैंने, और इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा है, और बाकी मेरे को परफॉर्मेंस चेक कराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अपनी आंखों से देख लिए, अपने इन बड़े बड़े चक्षुओं से देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत अंतर है, तो कृपया करके मत लीजिएगा अगर आपको इससे ज़्यादा रेंज में मिल रहा है। सिर्फ मैं इसी लैपटॉप का कह रहा हूँ इसलिए आपको लेने के लिए, ठीक है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में और किसी लैपटॉप की नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी और की तरफ जाइए, क्योंकि ये एक आध ही मिलेगा, ज़्यादा में नहीं मिलता, या तो HP में ऐसा मॉडल मिलेगा आपको, या तो सिर्फ लेनोवो में, और किसी कोई कंपनी आपको ऐसा मॉडल नहीं देने वाली, ठीक है। 2 TB की वजह से, 2 GB ग्राफिक्स कार्ड की वजह से, और ये प्राइस की वजह से ठीक ठाक है। अगर हम जाते हैं अपने नंबर सेकंड लैपटॉप की तरफ जो कि है हमारा आउस वीवो बुक, नंबर आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार नहीं पढ़ने वाला, मैं एक बार भी नहीं पढ़ूंगा। i5 8250U 8th जनरेशन, DDR4 RAM, 1 TB हार्ड डिस्क ड्राइव, MX 130 है इसमें। देखिए ये मिड रेंज के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, MX 130 इनको देना चाहिए था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं निकाल रहा है। 940 MX और MX 130, MX 110 यही वाले आपको मार्केट में अभी भी मिलेंगे। देखिए अगर आप जाएंगे ना ऑफलाइन स्टोर में,
तो आप आसूस में जाएँ, चाहे एचपी में जाएँ, चाहे लेनोवो में जाएँ, इनमें आपको रेडियन के वही पुराने वाले 530 520 रेडियन में और एमएक्स के 130 या 110 मिलेंगे। 130 उनके लिए बहुत बहुत हाई एंड होता है कंपनी वालों के, लेकिन मेरे हिसाब से हाई एंड नहीं है, एमएक्स 150 ज़्यादा हाई एंड है। तो देखिए आप ये लैपटॉप ले सकते हैं, एंटी लेड डिस्प्ले है इसमें, आईपीएस कपल स्क्रीन डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, साथ ही साथ इसमें 2 GB ग्राफिक्स कार्ड भी एनवीएक्स में है। बुरा नहीं है ये, इतना ही बुरा नहीं जितना मैं इसका बुराई कर रहा हूँ, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है इसमें, आपको अच्छे एफपीएस भी मिल जाएंगे, ठीक है, 940 mx की तरह ही है ये भी। और इसमें आप देख सकते हैं इसकी सारी स्पेसिफिकेशन, इसमें साथ ही 8 GB रैम मिल रही है और आपको ये सारी सारी कन्फिग्रेशन मिल रही है सिर्फ 47,000 में। तो आपको ये लैपटॉप अगर आप 44,000 पे ये लेते हैं और 47,000 में ये लेते हैं, ठीक है, तो आपको जैसी आपकी इच्छा, और उससे पहले एचपी तो भूल ही जाइए, एचपी तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, जो मैंने कौन से नंबर पे था ये आई डोंट नो। तो इसमें देखिए सब कुछ आपको मिल रहा है फुल एचडी स्क्रीन के साथ, और ये एकदम परफेक्ट लैपटॉप है अगर आप लेना चाहते हैं तो इस रेंज में 47, ठीक है। अभी रुक जाइए, अभी एक नंबर वन लैपटॉप जो है हमारा खतरनाक लैपटॉप आने वाला है ये है, जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है ये वाला लैपटॉप, जो है इसका बीजल बहुत पतला है, बाकी सभी लैपटॉप का बीजल पतला है। और हाँ, ये बीजल पतले से याद आया मुझे, इस पतले बीजल ने मेरा ध्यान खींचा था, मैं जब मैं ऑफलाइन देखने गया था ये लैपटॉप, तो ये पतला बीजल तो है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये पतला है, स्लिम भी बहुत है, देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, स्लिम बहुत है ये, बहुत ज़्यादा स्लिम है, इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं है, और एक और चीज़ नहीं है, अपने RJ45 का जो केबल होती है जिसमें आपका RJ45 का सॉकेट होता है वो नहीं मिलेगा इसमें आपको, और ODD नहीं मिलेगी, और इसका वेट भी पतला है, हल्का है। और एक चीज़ जो आपने अब भी गौर नहीं कर रहे होंगे, इसमें जो कीपैड है ना, ये जो साइड में राइट में कीपैड होते हैं ना, वो कट कर दिए हैं, स्क्रीन साइज़ का 15.6 इंच ही है, लेकिन इसके जो राइट साइड में जो कीपैड्स होते थे, सिर्फ स्पेसिफिक कीपैड के बटन होते थे, वो हटा दिए गए हैं, उसकी वजह से इसका जो साइज़ है वो स्लम कर दिया गया, यहाँ बहुत मोटा दिख रहा है, थिक दिख रहा है, लेकिन असल में बहुत थिन है यहाँ से भी, ठीक है, ये पूरा थिन है, इस वजह से भले इसकी स्क्रीन साइज़ आपको छोटी दिख, लेकिन छोटी नहीं है ये स्क्रीन साइज़ बड़ी ही है। तो एक कॉम्पैक्ट तरीके से आपको ये लैपटॉप बनाया गया, लेकिन 15.6 इंचेस की फुल एचडी स्क्रीन के साथ, जो एक बहुत अच्छी बात है, डिज़ाइनिंग का ये बहुत ही अच्छा एक नमूना है। उसके बाद Windows 10 है, आपको मिलेगा पहले से ही इनबिल्ट प्रीबिल्ट मिल रहा है, ये तो और अच्छी बात है, आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपको कोई भी कॉपी सॉफ्टवेयर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है 2 GB का NVIDIA MX130 ग्राफिक्स कार्ड, इसके अलावा इसमें है बैकलेट का कीबोर्ड, के वी मतलब कीबोर्ड, के वी विथ फिंगरप्रिंट सेंसर, विथ 8th जनरेशन 4 GB DDR4 रैम, चलिए इसमें 4 GB रैम है, चलिए मानता हूँ, मैं मानता हूँ 4 GB रैम है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो एक चीज़ है वो है 16 GB की ऑप्टन मेमोरी, जिसके बारे में पहले ही बखान कर चुका हूँ बहुत सारा, और आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो, 16 GB की जो हमारी ऑप्टन मेमोरी है वो बहुत ही काम आएगी, जब जब अगर आप ये लैपटॉप लेंगे तो शायद आपको रैम डलवाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं, ज़्यादातर मेमोरी का जो स्टोरेज होता है ना, ये 16 GB की ऑप्टन आसानी से कर लेगी। आप जो भी नई जो इसमें डालेंगे, कुछ भी नया डालेंगे आप, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपने वीडियो चलाई, ऑडियो चलाई, ठीक है, उसको आप फिर से दोबारा चलाएंगे भले ही रिबूट करने के बाद, तब भी वो सेव रहेगी इस ऑप्टन मेमोरी में, वो जाने नहीं वाली, और वो अपने हिसाब से ये इसका सेटलमेंट कर लेगी। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर ऑप्टेन का अगर आपको ज़्यादा इशू आता है, ज़्यादा इच्छुक हैं आप समझने के, तो मैं ऑप्टेन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, सुपर सुपर डुपर लैपटॉप लगा मुझे ये, इसलिए मैंने इसको सबसे टॉप पर रखा हुआ है इस प्राइस रेंज के अंदर, 50K की प्राइस रेंज के अंदर। देखिए और भी लैपटॉप्स हैं, Ryzen 5 Ryzen 3 के भी नए लैपटॉप्स निकले हैं, जो कि AMD के लैपटॉप्स हैं, इनके प्रोसेसर ही AMD है, इंटेल नहीं मिलेगा आपको, Core i5 ये भूल जाइए, फिर ये शब्द ही भूल जाइए, फिर आपको AMD के सीरीज चलेंगी, 2200G 2400G फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे हैं या बुरे हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आप इतना जान लीजिए कि ये एक पावर पैक लैपटॉप है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस लैपटॉप को ज़रूर लीजिए, इसमें सब कुछ है जो आपको भविष्य तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मैंने ऐसा लैपटॉप लिया, मेरी कॉन्फ़िगरेशन कम हो गई, फलानी फलानी चीज़ें कई सारी दिमाग में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है, भैया मेरा लैपटॉप पुराना हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, नहीं, आपको इसकी रीसेल वैल्यू भी शायद अच्छी मिल जाए, क्योंकि ये जो लैपटॉप है इसमें बहुत अच्छी कन्फिग्रेशन है, और ऐसा सभी लैपटॉप लेना ज़रूर चाहेंगे इस प्राइस रेंज में। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी नई वीडियो आपको जो भी आएंगी जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए, और अगर बीच बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही है ना, वो मेरे पास अच्छा
ऑडियो कार्ड नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फ्यूचर में शायद मैं देख लूँगा, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी अगर शिकायत है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि अपने वीडियो को कैसे सुधार सकता हूँ और कैसे इसमें और भी प्रोफिशिएंसी ला सकता हूँ अपनी वीडियोस बनाने में। भले वीडियो तो बहुत बड़ी लग रही हो आपको, लेकिन ये आपको मैं एकदम पक्का फुल प्रूफ रिव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लैपटॉप लेना है, तो आप दुकान में या शॉप में जाएंगे और अपने मुंह से ये चार पांच चीज़ स्पेसिफिकेशन बताएंगे, लैपटॉप आपके सामने होगा। बस आपको, मैं नहीं चाहता कि कोई भी शॉप वाला, शॉप वगैरह वाले आपको बेवकूफ़ बनाए, या फिर आप ऐसा लैपटॉप ले आए जो आपको लेना ही नहीं था। कई लोग ऐसा ही करते हैं, उनको लेना कुछ और होता है लैपटॉप में या मोबाइल में, ले कुछ और आते हैं। तो मैं चाहूँगा आप हमेशा स्मार्ट बाय रहें और स्मार्ट ही बने, एकदम जनरल नॉलेज ऑफ टेक जी के द्वारा प्रायोजित, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, छोड़िए इसको। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत रात हो गई है और मुझे भी सोना है, आप भी सोइए। सायोनारा स्वीट ड्रीम्स।